चलिए सब लोग जुड़ जाइए फटाफट शेयर कर दीजिए और ठीक है आवाज़ वगैरह सब ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास और ये क्लास जो रहने वाली है चैप्टर वाइज रहने वाली है सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा अभी तक जो है आपकी क्लासेस जो है वो नहीं प्रॉपर चल पा रही थी वो इसी बोर्ड की वजह से कि थोड़ा सा बोर्ड का सेटअप नहीं हो पा रहा हमसे नहीं बन पा रहा था तो अब ठीक है अब क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी ठीक है तो चैप्टर वाइज आपकी ये क्लासेस मैं लेकर के आया हूँ जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है चाहे वो आप आर की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हों चाहे आप आई इंस्ट्रक्टर के लिए पढ़ रहे हों ठीक है आई टी इंस्ट्रक्टर पार्क सेल और एन पी सी आई एल ये सारी परीक्षाओं के लिए इसके अलावा अदर भी जो एग्जाम होते हैं चाहे वो बी आर ओ हो गया आपका डी आर डी ओ हो गया ये सारी परीक्षाओं के लिए ये बिल्कुल प्रॉपर क्लास होगी जिसमें हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है बिल्कुल नीरज यादव गुड आफ्टरनून अर्जुन शर्मा सब लोग जुड़ चुके हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को बता दीजिए

कोई दिक्कत नहीं है सर फुल टेस्ट ऐप पर डलवा दीजिए चैप्टर वाइज हाँ चैप्टर वाइज नीरज मुझे याद है आपने मैसेज किया था एक दो दिन में हो जाएगा वो भी ठीक है चलिए देखिएगा मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को नहीं करा पाया हूं आज की क्लास की अगली क्लास से इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी ठीक है स्निप एक प्रकार की कैंची है यह किस धातु की बनी होती है ये सीधा आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो स्निप स्निप का मतलब आप सीधा सा कैंची

एक बात ध्यान दीजिएगा मैं मूल मंत्र बता रहा हूं जितने भी कटिंग वाले टूल होंगे जितने भी काटने छाटने वाले टूल होंगे कटिंग टूल वो सारे किसके बनेंगे हाई कार्बन स्टील के बनेंगे हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील का मतलब क्या होता है हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात इसके बने होंगे कुछ भी हो ठीक है चाहे आपका चीजल हो छेनी हो चाहे आपका स्निप देख रहे हैं चाहे आपका श्रीयर हो कुछ भी हो वो सदैव किसका बना रहेगा वो सदैव हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अब थोड़ा सा इस पर हम लोग जाते हैं कि स्निप है क्या तो स्निप एक प्रकार की कैंची है ये इसमें लिखा भी है कि एक प्रकार की कैंची है जो किस धातु की बनी होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है यह किस काम आती है तो धातुओं के ये भी आपसे पूछ सकता है किस काम आती है धातुओं के चादर को काटने के ठीक है जो पतली पतली मेटल की सीट होती है उनको काटने के ये काम आती है और ये भी दो प्रकार की होती है एक तो क्या होती है स्ट्रेट तो होती है स्ट्रेट यानी कि सीधी स्निप सीधी स्निप ठीक है और दूसरी क्या होती है बेंट पेंट स्निप यानी कि मुड़ी हुई स्निप मुड़ी हुई स्निप ठीक है क्लियर है यहाँ से ये सारी चीजें प्लेस्ट बनाकर डाल दीजिएगा सर ठीक है बिल्कुल डाल देंगे हाँ अभिषेक अरे कैसी बात कर रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिली एक बार फिर से मैसेज आप कर देना सबसे सॉरी क्योंकि बहुत सारे मैसेज बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो मैसेजेस और फोन क्या होते हैं कि दब जाते हैं नीचे ये आपको आइडिया होगा आपके पास अगर पचास लोगों के मैसेज आएंगे तो सार, सारे सारे लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं हालांकि जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है या हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं हमारी उनको मैं कभी अलाउ नहीं करता हूं कि आप हमारे बच्चों के मैसेज जो है वो आप सीन करिए तो सारा रिप्लाई हमको ही करना होता है तो ये स्ट्रेट स्निप हो गया और ये बेंड स्निप हो गया स्ट्रेट स्निप क्या हो गया सीधी चादरों को अगर कोई चादर है उसको सीधा काटना है तो स्ट्रेट स्निप आप यूज करोगे अगर उसको गोलाई में काटना है टेढ़ा मेढ़ा काटना है तो वहां पे आप बेंड स्निप ठीक है यूज़ याद रहेगा ये पूछा जाएगा आपसे तो ये किसका बना होगा भाई ये बना होगा हाई कार्बन स्टील का ये यहाँ पे इसका मैंने चित्र बना दिया है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या है ये तो ये सामने सीधा आपकी कैंची की तरह है ठीक है यहाँ पे जो है ये पाइवेट है ये रिवेट होता है ठीक है और यहाँ पे ये क्या है फेस ऑफ ब्लेड यहाँ पे क्या है ब्लेड की जो है फ्लैश रखी जाती है ये आपकी पूरी ब्लेड है पत्ती है जो कि नुकीली होती है कितना 87 डिग्री ये भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है और बाकी ये आपका स्टॉपर हो जाता है यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग इसलिए है जिससे कि यह चिपके ना एक दूसरे में पूरी तरह से ठीक और ये हैंडल है यहाँ पे आपने पकड़ा इसको हाथ से ओवरऑल जो इसकी लेंथ ली जाती है वो यहां से लेकर के यहां तक ली जाती है कहा से लेकर के ब्लेड के और हैंडल के लास्ट तक ठीक है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए फिर देखिए ये क्वेश्चन आ गया बेंड स्निप का प्रयोग किया जाता है अभी मैंने स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप दो स्निप आपको बताया ठीक है तो ये यहाँ पे बेंड स्निप के बारे में पूछ लिया तो बेंड स्निप का काम क्या होता है मैंने बताया कि जो सीधी स्निप होगी वो एक आएगा तो धातु चादरण कार्य में ही बट जो सीधी स्निप होगी एकदम सीधा सीधा काटेगी जो बेंट बेंट का मतलब क्या होता है मुड़ी हुई है ना तो इसका जो नुकीला भाग होता है आगे वाला ये वाला भाग जो होता है ये मुड़ा हुआ होता है ठीक है ये मुड़ा वाला ही है उसके बाद ये क्या है ये किस काम आएगी तो सीट को गोलाई में काटने के लिए तो सीट को सीध में काटने के लिए कौन आएगा स्ट्रेट स्निप स्ट्रेट स्निप है ना यानी कि सीधी स्निप अगर आपको लग रहा होगा कि मैं स्लो चल रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ तो मैं स्पीड में कर दूंगा ठीक है स्पीड को आ, उसके बाद सीट को गोलाई में काटने के लिए है ना यानी कि कर्व बनाने के लिए किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं कि गोला ही काटना हो आपको ऐसे काटना है ऐसे काटना है ऐसे काटना है तो वहाँ पर आपको बेंट स्निप का यूज़ करना है ठीक है फिर वी नोज़ काटने के लिए उपरोग सभी ये सारे ऑप्शन किसी काम के नहीं हैं जो मुझे लगा वो हमने बता दिया ठीक है सर इसकी फ़ोटो नहीं दिख रहा है अच्छा आ, फोटो में थोड़ा सा जो है वो लाइटिंग के प्रॉपर नहीं है बट ये कैंची जैसा आकार है आपको फिगर दिखा के पूछे तो आप पहचान लेना बस ये स्निप का एक बड़ा भाई भी होता है शीयर उसको बोलते हैं ठीक है वो बहुत मोटी मोटी चादरों को सरिया और को काटने के काम आता है रॉड को काटने के आ, काम आता है तो स्निप जो है वो छोटा भाई है और इसका बड़ा भाई क्या है शियर है ठीक है चलिए फिर ये देखिए आ गया ये क्वेश्चन हमने डलवाया है शीयर का प्रयोग मोटी सीट व सरियों को काटने के लिए किया जाता है तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसमें इसके जो ब्लेड है उसके ग्राइंड का एंगल पूछा जाता है ठीक है ब्लेड के ग्राइंड का कोण ये मैंने आपको बताया वहीं पे कि ये सत्तासी डिग्री होता है ठीक है ये ध्यान रखना आप अब ये सियर क्या है स्निप का बड़ा भाई है किसका है ये स्निप का बड़ा भाई है यानी कि वो छोटे मोटे पतली पतली चादरों को काटने के काम आ रहा था बिल्कुल मुरली मुरली सिसोदिया बहुत बढ़िया ठीक है ठाकुर ज्वाला सिंह ये हमारे पेट भैंज के हैं ठीक है तो ये क्या है स्निप का बड़ा भाई है ये शियर अब शेयर क्या होता है शेयर भी दो प्रकार का होता है एक बेंच होता है एक पावर शेयर होता है हालांकि शेयर तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन जो आपको देखने को मिलता है व्यवहारिक तौर पे वो दो मिलता है कौन कौन सा एक तो होता है बेंच शेयर और एक होता है पावर शीयर पावर शीयर ठीक है तो बेंच शीयर जाहिर सी बात है बेंच पे रख के थोड़ा सा लगभग छह से सात एमएम तक की मोटी प्लेट को या सरिया को काट सकता है वहीं पे पावर शेयर क्या है बारह से पंद्रह एम तक की भी कोई प्लेट है तो उसको भी क्या करेगा ये कट कर देगा ठीक है तो ये शीयर है ये बड़ा होता है किससे ये जो है ये स्निप से बड़े होते हैं ये भी एक प्रकार की कैंची ही है ठीक है

है ना कॉल में इसरो अरे वाह हेलो भैया चलिए तो ये क्या है ये आपकी हैंड हेक्सा है ये देखिए ये जो हैंड हेक्सा है ना इसको हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं कौन कौन सा एक तो होता है एडजस्टेबल एडजेस्टेबल एक होती है आपकी फिक्स फिर एक तीसरा प्रकार के भी निकल के आता है कौन सा डीप कटिंग डीप बनेगा नहीं जल्दी से। डीप कटिंग ठीक है कॉल में इसरो ने बोला था कि एक बार मुझे याद है कि आपने बोला था कि सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए ठीक है।, है अब चलिए तो क्या है डीप कटिंग और फिक्स और एडजस्टेबल ये किसके अकॉर्डिंग है ये जो आप देख रहे हैं क्या फ्रेम है ये फ्रेम ये इसको क्या बोलते हैं ये फ्रेम हो गया ये हैंडल हो गया इसको आप पकड़ेंगे और ये आपका क्या हो गया ब्लेड हो गई यानी कि पत्ती हो गई यही काटेगा और यहाँ पे एक इस आकार का नट लगा होता है इस आकार का नट इसलिए होता है कि जिसको आप आसानी से खोल सको और इसको जो बोला जाता है वो विंग नट बोला जाता है ये पूछेगा आपसे विंग नट या इसी का और दूसरा क्या नाम है फ्लाई नट फ्लाई नट तो पूछेगा किसानी तो खुल सके और इसके फ्रेम के हम लोग है, तो आपकी जो हेक्सा होती है वो तीन प्रकार की आती है एक एडजस्टेबल दूसरी फिक्स और तीसरी डीप कटिंग डीप कटिंग क्या होता है ये बहुत अंदर तक होता है तो कोई अगर बहुत अंदर तक कटिंग करनी है बहुत गहरी तक कटिंग करनी है तो वो काम कर देता है एडजस्टेबल क्या होता है यहां पे एक एडजस्ट करने के लिए छोटा बड़ा करने के लिए जिसमें कि अलग अलग साइज की ब्लेड लग जाती है ठीक है मैं मैं जो है वो ठीक है बिल्कुल विंग नट अच्छा अनु आप आनंद हैं ठीक है ठीक है अच्छा स्पीड बढ़ाना है ठीक है तो ये क्या है फिक्स होता है और ये डीप कटिंग होता है उसके बाद थोड़ा सा बता लेने दीजिए क्योंकि मन जो है मानता नहीं है अब देखिए ये क्या है ये ब्लेड है अब ब्लेड के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की निकल के आती है ठीक है ये क्या हो गया आपका ये तो हो गया आपका फ्रेम के अकॉर्डिंग अब ब्लेड के अकॉर्डिंग हम लोग जब मापते हैं ठीक है तो जब ब्लेड के अकॉर्डिंग मापेंगे तो आल हार्ड ब्लेड ब्लेड आल हार्ड ब्लेड और हाफ हार्ड ब्लेड हाफ हार्ड ब्लेड है ना यानी कि ऐसी पत्ती जिसको पूरी तरह से हार्डनिंग कर दी गई है और एक ऐसी पत्ती जिसकी आधी हार्डनिंग की ठीक है तो आधी हार्डनिंग इसलिए की जाती है जिससे आप अगर जानकार नहीं है ज़्यादा अच्छे से सर सर आई टी आई एन सी बी टी एस सी बी टी इंस्ट्रक्टर रिलेटेड से हूँ फॉर्म नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके बारे में जानकारी वीडियो सी आई टी एस बिना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी सर टाइगर कुमार आप एक बार मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना वीडियो शेयर करते हैं एक मिनट अरे कॉल मी सर थैंक यू चलिए ये हो गया ठीक है ये क्या हो गया आल हार्ड ब्लेड आल हार्ड ब्लेड पूरी तरह से ब्लेड कर देंगे पूरी तरह से हार्ड तब करेंगे जब बहुत बढ़िया वेल्डर होगा बहुत बढ़िया मैकेनिक होगा जो कि जानता है कि कैसे चलाना है अभी आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे सही से चलाना तो आपको क्या मिलेगी हाफ हार्ड ब्लेड ये सब पूछा जाता है ना कि अगर स्किल्ड वर्कर नहीं है तो उसको प्रकार की ब्लेड दी जाएगी तो हाफ हार्ड ब्लेड तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो मापी जाती है यहाँ पे सुराख बने होते हैं दो ठीक है तो इस सुराख का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से लेकर के जितनी बड़ी आपकी ब्लेड रहेगी वही ब्लेड की लंबाई कहलाती आप कहोगे कि भाई इतनी ही ब्लेड की लंबाई है इधर बाकी बच गया है इसको नहीं जोड़ना है जहाँ से इसमें जो है वो छेद होता है सुराख होता है उसके सेंटर पॉइंट से ठीक है तो दोनों सिर सुराखों की दूरी से दोनों सिराखों की सुराखों की बाहरी किनारों से नहीं बाहरी से नहीं बीच से लेना है दोनों सुराखों के केंद्रीय दूरी से यानी कि बीच वाली दूरी से ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है स्किल स्किल टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी होगी? मैंने का एक वीडियो बनाया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना उसको ठीक है छेड़ी एक कटिंग टूल है ये पूछ रहा है किसके बारे में चीजल के बारे में चीजल के बारे में पूछ रहा है कटिंग टूल है यह किस धातु की बनी होती है शुरू में ही मैंने बताया था कि जितने भी काटने छांटने वाले औजार होंगे आपको हाई कार्बन स्टील क्यों हाई कार्बन स्टील भाई क्योंकि मजबूत चाहिए ना अगर माइल्ड स्टील का आपने लो कार्बन स्टील का डाला अगर उसमें कार्बन की परसेंटेज कम हुई तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में तुरंत चेंज आएगा अब जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सडन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगी आपका कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी तो अब माइल्ड स्टील है तो मृदु हो जाएगा वो मुड़ जाएगा और काटने का काम है आपको कटिंग करने का काम है तो आपको क्या लगाना है हाई कार्बन स्टील टिक करना है यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग डिटेल देखेंगे तो चीजल होता है ये किस काम आता है कि अगर कोई आपके पास मेटल का छोटा सा पार्ट है या बड़ा सा पार्ट है उससे कुछ धातु को रिमूव करने के लिए आप चाह रहे हैं कि इतना धातु को आप क्या कर दें इतना मेटल आप यहां से हटा दें रिमूव कर दें ठीक है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे चीजल यूज करोगे इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि चिपिंग भी करते हैं इस है ना चिपिंग भी करते हैं तो इससे थोड़ा सा पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं हम अब जो इसका एंगल होता है ये देखिए ये इसका फिगर बना हुआ है ये पूरी बॉडी होती है अच्छा इसमें जो है वो छह भुजा या आठ भूजा कार ऐसे जो है वो जैसे पेंसिल होती है ना आपकी आप पेंसिल हाथ से ऐसे रगड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या है उसमें आर्म बने हुए हैं उसमें भुजा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये छह या आठ हो सकता है ठीक है ऐसे छह से आठ लाइने यहाँ पे हो सकती हैं और इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे स्टॉक ये जहां पे आप मारेंगे हथौड़े से उसको बोलेंगे हिड ठीक है अब यहाँ थोड़े से बहुत ज्यादा चोट मारी जा रही है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये क्या हो जाता है फैल जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मशरूम हेड बोलते हैं और इस प्रकार का हेड आपको यूज नहीं करना है आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी ठीक है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है कटिंग एंगल है ना ये नुकीला भाग जो है ये कटिंग एज है, है और इसके इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये कटिंग एंगल है बेसिकली ये रखा जाता है कितना आपका तीस से लेकर के सेवेंटी फाइव यानी कि 32 75 डिग्री रखा जाता है अगर मेटल आपका सॉफ्ट है डक्टाइल है तब आप क्या करेंगे ये एंगल आप कम रखेंगे ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है सॉफ्ट मटेरियल है वेल्लोर ट्रेड कोर्स के बारे में आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना या आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी है यार देख लेना आप लोग पहले पढ़ो आप ठीक है फिर क्या है कि ये किसकी बनी होगी हाई कार्बन स्टील की इसका जो एंगल होगा 30 से 75 होगा अब किसका 30 होगा किसका 40 होगा किसका 75 होगा जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती जाएगी जैसे 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 हार्ड मेटल होता जाएगा एंगल की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे ठीक है एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसकी पीडीएफ चाहिए जो सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता देना अगर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन का चाहिए या फिर मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसका भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना ऐप के फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स वाले सेक्शन में मैं ऐड करवा दूंगा ठीक है चलिए यह चीजल दो प्रकार का होता है एक कौन सा होता है हॉट और एक कौन सा होता है कोल्ड हॉट जो होता है वो गर्म वस्तुओं को काटने का काम आता है जहाँ पे ब्लैक स्मिथ का काम हो रहा है और कोल्ड आपको मैक्सिमम वर्कशॉप में देखने को जो मिलेगा वो कोल्ड ही मिलेगा ठीक है बार्क मोस्ट यूजफुल खास बिल्कुल बार्क के लिए अच्छा है हाँ कंप्लीट करवा देंगे आप लोग बने रहेंगे तो ठीक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको जाना है तो क्वेश्चन का लेवल जाहिर सी बात है कि अच्छी रहेगी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे तगड़े रहेंगे ठीक है तो इस बात से जरा सा भी कट ऑफ कितनी जा सकती है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन लेवल पे ठीक है तो मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं और बार की एग्जाम डेट का मैंने वीडियो डाला था है ना कि अक्टूबर में नहीं आपका नवंबर में स्लॉट्स खाली है टीसीएस के पास तो वीडियो आप लोग चेक कर लेना कुछ लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे कि कैसे पता चल गया चलो भाई अंदाजा है फ्लैट छैनी की धार कन्वेक्स आकार में ग्राइंड होती है फ्लैट छैनी जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं चल देख रहे हैं ये किस आकार में होती है ये होती है कन्वेक्स ठीक है क्यों होती है ऐसा क्यों होता है ऐसा आप यहां पे देखिए ये ऐसा इसलिए होता है जिससे कि जब आप चोट मारोगे और कोई उभरा हुआ सतह नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा वहां से छटक करके कहीं और हो जाएगा अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब आप ठीक है हाँ डलवा देंगे क्या करना है आपको इसको ऐसे पकड़ के कहीं पर रखना है चीजल को कैसे कहीं पर आप रखते हैं और उसमें हैमर से आप चोट करते हैं तो जैसे आप चोट करते हैं तो इधर से उधर हट जाती है अगर उसका अगर उसकी धार कन्वेक्स नहीं रहेगी तब क्या हो जाएगा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कौन सी प्रॉब्लम होगी कटिंग कोण सही बनता है कटिंग एज ज़्यादा देर तक चलता है यदि धार स्ट्रेट रखेंगे यानी कि सीधी रखेंगे एकदम तो कटिंग करते समय छेड़ी उछलती है और कटिंग भी नहीं करती है क्लियर है तो क्या हो जाएगा वो इधर से उधर हो जाएगी जाहिर सी बात है है ना? बहुत बेसिक सी सारी चीज़ें थी का कटिंग कोण किस प्रकार का रखा जाता है है ना ये देखिए यही मैंने अभी आपको समझाया कि जो चीजल होता है का जो कटिंग एंगल कटिंग एंगल वाला पार्ट कहाँ आपने देखा था यहाँ देखा था ये ये कटिंग एंगल मैंने आपको क्या बोला था तीस से पचहत्तर जैसे जैसे हार्डनेस हार्ड मेटल होता जाएगा एंगल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे है फ्लैट चीजल का कटिंग कोण किस प्रकार रखा जाता है तो नर्म धातुओं के लिए अधिक और कठोर धातुओं के लिए कम क्या मैंने ऐसा बोला नहीं तो ये गलत हो जाएगा और नर्म धातुओं के लिए कम और कठोर धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है यानी कि जैसे जैसे आपकी हार्डनेस बढ़ेगी भाई ठीक है जैसे जैसे आपकी हार्डनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल क्या होगा बढ़ता जाएगा ठीक है इतनी सी बात क्लियर है क्या डिलीट कर रहे हैं कॉल में ठीक है चिपिंग का अर्थ क्या होता है ना चिपिंग का मतलब क्या है मेटल पार्ट को छेनी द्वारा दो भागों में काटना क्या ये चिपिंग है नहीं मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे ये है थोड़ी सी भाग को हम लोग हटाते हैं जब पीजल से तो उसको हम लोग चिपिंग भी बोलते हैं अभी आप बोलोगे कि नहीं बताया तो ये लिखा हुआ है ठीक है हालांकि बार बार मुझे ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए है ना ये ये मैंने बताया था कि यहाँ से जो कट रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं चिपिंग बोलते हैं तो चिपिंग का काम क्या होता है आइडिया है इसके बारे में इच्छा अनुसार ग्राइंड किया जाता है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बार बार मेटल पार्ट की सतह पर स्लॉट्स काटना छेड़े द्वारा मेटल पार्ट्स को मोटाई को कम करना बिल्कुल यही जो है सही है और यही हमने आपको बताया भी था है ना कि यहाँ से आपने क्या किया एक चीजर लिया और आपने यहाँ से आघात करना स्टार्ट कर दिया ठीक है ठाकुर ज्वाला सिंह बहुत सही रेती एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है यह किस धातु की बनी होती है चलिए यहाँ भी कटिंग का काम करना है तो आपको क्या देखना है हाई कार्बन स्टील इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है इसका बना होगा ये सर ये बना होगा हाई कार्बन स्टील अब देखिएगा यह किस धातु की बनाई जाती है तो बता दिया है थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा ये ऊपर वाला सिरा जो होता है हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या टिप ये जो किनारा वाला पोर्शन है ये ऊपर जो है वो फेस है ये जो लाइन पतली से यहाँ पे जो जहाँ नुकीला होता है धार उसको हम लोग बोलते हैं एज और जहाँ पे दांते नहीं कटे होते हैं लेकिन सरफेस फ्लैट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हील और जो पार्ट इस लकड़ी में अंदर धंसा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टैंग और उस लकड़ी के ऊपर क्या होता है एक लोहे की हम लोग रिंग चढ़ाते हैं जिससे कि लकड़ी फटे ना पकड़ बनी रहे उसकी उसको हम लोग फेरल बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा क्लियर है और तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बताना है है ना चलिए ये कुछ डाल दिए गए हैं ये आप ई बुक चाहें तो ये ले ले सकते हैं इसके आंसर अब मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा इसके आंसर मैंने नहीं दिए थे ठीक है मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा ठीक है हो सकता है अगर जरूरत होगी तो मैंने अपडेट भी डाल दिया है बट वो अपलोड नहीं हो रहा है ऐप पे कुछ प्रॉब्लम से अब हो जाएगा सारी चीज़ें तो पाँच हज़ार लगभग इसमें प्रीवियस ईयर आपको पेपर मिल जाएंगे इसको आप लोग जरूर एक बार सॉल्व कर लेना ठीक है बाकी इसके अलावा आप हमारी नोट्स भी ले सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है अगर आपका एग्जाम एक, एक दिन भी बचा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं चलिए फिर क्या है रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं देखिए जो रेती की हाँ चिपिंग बिल्कुल स्लैग रिमूव करने के लिए बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है ना देखिए बिल्कुल जैसे चिपिंग क्या होता है जैसे स्लैग रिमूव करने के लिए होता है ना तो जैसे यहाँ पे कुछ स्लैग जमा हो गया अब स्लैग क्या होगा वही जो वेस्ट मेटल होता है है ना फ्लक्स वगैरह आपका जल करके यहाँ आ जाता है इसको आप क्या करते हैं चिपिंग हैमर से इसको रिमूव कर देते हैं तो पतला ही तो करते हैं इसको इसको क्या करते हैं पहले इतना मोटा था ये पहले इतना मोटा यहाँ तक था फिर आपने इतना हटा दिया तो इतना ही बचा वही बात है है ना रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं अब देखिए जैसे ये रेती हो गई आपकी फाइल हो गई यहां पे अगर दांते अगर यहां पे मान के चलिए पंद्रह दांते हैं एक वर्ग सेंटीमीटर में है ना वन स्क्वायर सेंटीमीटर में या वन सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है पंद्रह दांते हैं और एक जगह पे सिर्फ पांच दांते हैं ठीक है सिर्फ पांच दांते हैं अगर आप तो उसको बोलोगे आप रफ फाइल है ना और कहीं पे बहुत ज्यादा दांते हैं तो उसको बोलोगे आप महीन फाइल महीन फाइल का मतलब होता है स्मूद फाइल ठीक है तो एक बात ध्यान रखना आप जो रफ फाइल होगी वो ज्यादा धातु काटेगी ज्यादा धातु काटेगी ठीक है और साथ में जो स्मूथ होगी वो कम काटेगी लेकिन सतह अच्छी देगी है ना सतह अच्छी देगी इतना बात तो क्लियर है है ना ग्यारह का सी अरे पिच कैसे भाई दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं ठीक है चलिए पिच नहीं गलत हो जाएगा ये अलग अलग फाइल का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन मतलब कि हम लोग फाइल को उसके शेप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं तो ट्रायंगुलर होती है स्क्वायर होती है वृत्त होती है ना वर्गाकार होती है गोलाकार होती है शेप के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं ना मैंने अभी तो लगभग चार पाँच दिन पहले क्लास कंप्लीट की है इसकी टूल्स की तो जो बच्चे हैं कोर्स में वो जा करके कंप्लीट कर लेना ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कराई है ठीक है और उसके बाद हम लोग ग्रेड के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो ग्रेड के अकॉर्डिंग ये होता है है ना क्लियर है फिर साइज के अकॉर्डिंग भी मापते हैं हम लोग छोटी बड़ी और मीडियम चलिए गड़बड़ नहीं करिएगा लकड़ी को रेतने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है तो वो होती है रेस्क कट फाइल है ना रेस्क कट फाइल लकड़ी को रेतने के लिए बहुत पूछा जाने वाला सवाल है मैकेनिकल में भी ये पूछा जाता है ठीक है विष्णु जी अच्छा ओ विष्णु फ्रॉम वेस्ट बंगाल ठीक है तो ये क्या है लकड़ी को रेतने के लिए प्रयोग किया जाता है इनको हो सकता है कि हिंदी में समस्या होगी इसलिए गड़बड़ कर जा रहे हैं ये तो लकड़ी को रेतने के लिए हम लोग रेस्प कट फाइल का प्रयोग करेंगे ये फाइल जो है कुछ आपकी ऐसी होती ठीक है एक्चुअली फिगर एक्चुअल तो हम नहीं बना पाएंगे बट एर ऐसा कट फाइल होती है जो कि लकड़ी को रेतने के काम आती है लकड़ी को रिमूव करने के ठीक है ओहो जय श्री राम कितना स्पीड हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में फिट करते समय दांतों का झुकाव किसकी तरफ होता है ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे ठीक है ये मैं छोड़ दूँ आप पे बताइए आनंदा सी क्वेश्चन नंबर डालिए फिर उसका आंसर ठीक है तो देखिए हेक्सा ब्लेड ये आपकी क्या हो गई एक्सा ब्लेड हो गई बस नहीं थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ बनेगा ये आपका सेंटर हो गया और ये आपने हैंडल बना दी ठीक है ये जो दांते होंगे ना हमेशा विंग नट की तरफ झुके होंगे बिल्कुल आगे विंग नट की तरफ ठीक है तो जो हेक्सा ब्लेड में जो फ्रेम फिट करते समय जो दांतों का झुकाव होता है वो किसकी तरफ होता है तो विंग नट की तरफ होता है विंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्लाई नट बोलते हैं ठीक है थीक? रखा जाता है बाकी हेक्सा ब्लेड का डिटेल मैंने आपको दे ही दिया है फिर क्या है स्टील रूल किस धातु का बना होता है तो स्टील रूल स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है और इसका लिस्ट काउंट पूछता है तो एक बटा दो एम एम है ना आधा एम पर तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम वो कितना माप सकता है आसानी से है ना वो क्या होता है लिस्ट काउंट होता है तेरह का सी चौदह का बताइए है ना लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट है ना पॉइंट फाइव एम अब मैंने इस रूल और स्केल इन दोनों में अंतर बताया है क्लास में है ना तो एप्लीकेशन पे जो लोग अभी नहीं कवर किया है उस क्लास को तो देख लीजिएगा ठीक है मैंने स्केल और रूल दोनों में अंतर बताया दोनों अलग अलग है ठीक है ये एक्चुअल होती है वो माना जाता है ना कितने गुना है ना वो छोटी सी स्केल बहुत बड़े डायमेंशन को माप सकती है पूरी की पूरी बिल्डिंग को पूरे जो खेत होते हैं प्लॉट होते हैं वहां उसको भी आप उससे माप सकते हैं ना क्योंकि वो एजम्शन होता है उसको मान लिया जाता है कि इसका एक खाँचा एक किलोमीटर के बराबर है आप ऐसा भी मान सकते हैं वो क्लास देख लेना आप लोग जरूर बिल्कुल एक बता दो मैम जय श्री राम जी अपना नाम बता दीजिए ऑर्डर लेग कैलीपर का प्रयोग होता है सबसे पहले ये क्या है कैलिपर है ठीक है ये क्या है कैलीपर है कैलिपर इनसाइड आउटसाइड ये भी मैंने बताया है रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए मार्किंग करने के लिए बाहरी माप के लेने के लिए अंदरूनी माप लेने के लिए तो बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलीपर आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैली मतलब क्या होता है बाहरी कैलीपर। बाहरी कैलीपर कैसा होता है ये ऐसा होता है अब आपको मान के चलिए ये बॉल है गेंद है इसका मापना है तो ये बाहर से आएगा बाहर से माप लेगा अब क्या ये अंदर का कोई गिलास है ऐसे इसका अंदर का मापना होगा तब आपके पास एक ऐसा कैलिपर होना चाहिए है ना एक्चुअल बना नहीं पा रहा हूं जो कि अंदर से माप पाए है ना तो वो इन होता है अंदरूनी माप के लिए कौन सा इन कैलिपर यहां पे क्या पूछा है ऑर्डलेग इसको हम लोग हर्मोफ्राइड या जैनी कैलिपर के नाम से भी बोलते हैं लिख देता हूं मैं ऑर्डलेग को और किस नाम से बोलते हैं हरमो या जैनी कैलीपर इसका ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि ऑर्ड लेक कैलीपर को और किस नाम से जाना जाता है ना पंद्रह का डी ना 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 गलत हो जाएगा ये मार्किंग करने के काम आता है ठीक है ये क्या है एक मार्किंग डिवाइस है। चलिए ऑर्ड लेक कैलीपर जैनी कैलिपर हर्मोफ्राइड कैलीपर इसको एक बार आप क्लियर कर लेना चलिए तो इन साइड आउट साइड और ये दूसरा कैलीपर था स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं इसका एंगल पूछ रहा है ना इसका कोण कितना होता है जो पॉइंट होता है उसका एंगल पॉइंट एंगल पूछ रहा है तो वो होता है 12 से 15। स्क्राइबर क्या होता है एक मार्किंग डिवाइस है है ना मार्किंग डिवाइस है मार्किंग डिवाइस मार्किंग डिवाइस का मतलब यह है कि कोई लोहे का टुकड़ा है या स्टील का टुकड़ा है उसको आपको काटना है कहां से यहां से पहले आप चाक वगैरह से क्या करेंगे मार्क करेंगे अब चाक से आप मार्क करेंगे या किसी और मार्किंग मीडिया से मार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा वो मिट जाएगा अब जब वो मिट जाएगा तो उसके लिए आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा तो फिर क्या आप यूज करोगे आप यूज करोगे स्क्राइबर ये क्या करती है पतली लाइन खींचने के काम आती है पतली लाइन खींचने के काम आता है काम आता है ठीक है ये पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर लेना डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगा डिटेल में ठीक है बहुत टाइम है अभी आराम से कोई दिक्कत नहीं है और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वो जाकर के पढ़ लेना क्लास से तो ये क्या होता है बारह से पंद्रह डिग्री होता है ये क्या हो गया आपका स्क्राइबर हो गया के बाद ट्राई स्क्वायर का प्रयोग मार्किंग करने तथा तो जॉब को चेक करने के लिए जॉब को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कितने डिग्री पे तो वो होता है नाइनटी डिग्री पे ट्राई स्क्वायर ये क्या है ट्राई स्क्वायर अब जो इसमें पूछा जाएगा आपसे अगर आप स्किल टेस्ट में भी जाओगे है ना मैं इसका स्किल टेस्ट दिया था इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का मैकेनिकल से पोस्ट थी टेक्निकल असिस्टेंट तो उसमें हमसे पूछा गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थी तो उसमें पूछा गया था कि क्या आपने ट्राई स्क्वायर देखा है तो हाँ देखा है तो उसमें पूछा गया था कि जो दो पार्ट होते हैं उनके नाम क्या हैं मुझे इसका तो पता था कि ब्लेड है बट स्टॉक का मुझे कन्फर्म नहीं था तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन में भी आपसे बिल्कुल पूछ सकता है ये ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं ये किसी भी धातु का हो सकता है लकड़ी का भी हो सकता है किसी भी धातु का किसी भी धातु का और ये किसका होगा स्टील का होगा ये ध्यान रखना आप ये ब्लेड हो गया ये 90 डिग्री पे चेक करें ठीक क्लियर है ये ट्राई स्क्वायर हो गया मार्किंग करने का और जॉब को चेक करने के लिए दोनों के काम आता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में भी चलिए मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए रेखाओं को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो देखिए अच्छा यहाँ पे तो सारे पंच ही पंच हैं है ना सॉलिड पंच सेंटर पंच जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपका क्या यूज किया जाता है डॉट पंच 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 डॉट देखिए पंच क्या है परमानेंट मार्किंग करने के लिए होता है परमानेंट मार्किंग के लिए अब परमानेंट मार्किंग मतलब ये होता है कि स्थाई चिन्ह चिन्हन के लिए वालों को दिक्कत ना हो यूपी बिहार वाले हमारे भाइयों को चिन्हन के लिए अगर कोई मेटल है उस पर आपको काट छांट करनी है तो इससे क्या करना है हमको स्थायी चिन्ह लगा देना है या आप कहीं पे जॉब बनाएंगे ना कहीं पे स्किल टेस्ट में जाएंगे तो वहां से आपका रोल नंबर भी आपके जॉब में किससे लिखाया जाएगा पंच से ही लिखाया जाएगा वो पंच रहेगा उसमें एक से लेकर के दो तीन चार नौ तक रहेगा और जीरो रहेगा मान लीजिए आपका रोल नंबर कितना है ग्यारह सौ ग्यारह दो इतना रोल नंबर है तो आपसे बोलेंगे कि आपने जो भी प्लेट में वेल्डिंग की है उसमें अपना रोल नंबर पंच कर दीजिए तो आपको पंच खूब सारा रखा रहेगा वहां से निकालना है एक वाला पंच आप उठाएंगे उस उसमें रखेंगे और थोड़े से मार करके एक उसमें आपके जॉब में छप जाएगा तो वो पंच होता है परमानेंट के लिए होता है ठीक है मुरली सिसोदिया ए बिल्कुल डाट पंच है ना तो डाट पंच का जो एंगल होता है वो होता है साठ डिग्री तो पंच क्या हुआ डॉट पंच हुआ पहला क्या हुआ सेंटर पंच सेंटर पंच कौन सा सेंटर और तीसरा क्या हुआ आपका प्रिक पंच ये मेन है तीन पंच ठीक है प्रिक पंच कौन सा प्रिक पंच प्रिक पंच तो सेंटर पंच का जो कोण पूछा जाता है वो होता है नब्बे और प्रिक का कितना होता है तीस और ये डॉट का कितना होता है साठ अगर पूछा जाएगा तो यही तीन चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैंने आपको अभी कवर करा दिया हेलो सर एन में एक क्वेश्चन आया था मार्किंग टूल से पूछा था एक पंच स्क्राइबर फाइल चार ऐसा था कौन सा सही है अब पंच है तो स्क्राइबर भी है तो स्क्राइबर पंच ऐसा तो नहीं होना चाहिए था है ना या तो कोई और ऑप्शन रहा होगा क्योंकि दोनों है है ना या फिर ये हो सकता है कि उसमें यह भी पूछा रहा होगा कि परमानेंट मार्किंग ज्यादा परमानेंट क्वेश्चन का कुछ कंडीशन रहा होगा आई एम न्यू स्टूडेंट्स कौन है संधीर ठीक है ठीक है वो होगा है ना कि लाइन खींचने के लिए बोला गया था किसके लिए बोला गया था है ना लाइन खींचने के लिए होगा तो स्क्राइबर होगा वो किस प्रकार की चीजें वहां पे दी गई थी आप इंग्लिश का एक बार जरूर चेक कर लिया करो इसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो लेवलिंग चेक करने के लिए दो डिवाइसें हैं दोनों ऑप्शन में दिया है इस प्रकार के भ्रम जो है क्वेश्चन ना दें तो ज्यादा ठीक है और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन जरूर करें है ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए इसको कंप्लीट करना चाहिए अब लेवलिंग का मतलब क्या होता है स्प्रिट लेवल और प्लम्ब आप दोनों लेवलिंग लेवलिंग का मतलब क्या होता है ये समझिएगा जैसे आपने घर बनते हुए हमेशा देखा होगा तो एक चीज आपने देखी होगी क्या प्लम बॉब प्लम बॉब अब ये कहेंगे कि सर प्लम बॉब क्या है है ना प्लम बॉब ये तो आप लोग नजरअंदाज करिएगा ठीक है कि सर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं चलिए प्लम बॉब अब प्लम बॉब क्या है एक लट्टू जैसा आपने देखा होगा एक लट्टू जैसा आपने देखा होगा होता है उसमें धागा बंधा होता है और फिर यहाँ भी एक पतला सा होता है अब क्या करता है कोई मिस्त्री है राजमिस्त्री है वो क्या करता है इसको मापता है कि एक दीवाल को कि दीवाल पूरी सीध में है कि नहीं ये पूरी दीवाल है तो यहां भी क्या किया जा रहा है आपसे लेवलिंग ही चेक किया जा रहा है ना तो ये कैसी लेवलिंग चेक करता है तो ऊर्ध्वाधर लेवलिंग ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़ा खड़ा ये लेवलिंग चेक करता है और एक क्या होता है स्प्रिट लेवल होता है ये कुछ ऐसी डिवाइस होती है इसमें भरा होता है क्या पूरी तरह से तरल एक लिक्विड भरा होता है कुछ भी भर सकते हैं आप पानी भी भर सकते हैं मरकरी भी भर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है गैप अब जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा होगा कोई ऐसी आपने प्लेट रखी है मेरा हाथ ऐसे खड़ा है अब आपको चेक करना है कि इधर वाला पोर्सन जो है वो नीचे है या इधर वाला ऊपर है ये अगर आपको चेक करना होगा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या रखोगे स्प्रिट लेवल रखोगे जिधर पानी का बुलबुला चला जाएगा इसका मतलब कि उधर की झुकाव जो है वो ज्यादा है है ना तो ये क्या करता है हॉरिजेंटल है स्पिरिट लेवल है ये पूछेगा आपसे ये सब बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या होता है हॉरिजेंटल है ना यानी कि क्षैतिज क्षैतिज लेवलिंग को चेक करता है तो यहां पे इसने स्पेसिफाइड इस नहीं किया है तो यहां पे मैं जो है वो

मैंने पढ़ाया है यार क्या बताऊं ये जो क्या है वो मेजरिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं फिक्स सिर्फ चेक करने के काम आते हैं वो फिक्स होते हैं है ना तो देखिए फिलेट वेल्ड का साइज चेक करने में वर्कपीस की लंबाई व चौड़ाई आदि को चेक करने में वेल्डिंग दोष चेक करने में उपत्त सभी देखिए फिलेट वेल्ड का जो है वो वेल्ड गेज से हम लोग चेक करते हैं क्या साइज ठीक है अब अब मुझे वेल्ड गेज के काफी सारे सिंबल जो है मेरे पास नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स में मैंने बना करके दिए हैं तो याद आ रहा है मगर बन नहीं पा रहा है अलग अलग इसमें एक लाइनें होती हैं जहाँ पे आप लाते हैं इसको मेजर करते हैं आप कि कितना है बट ठीक है उस पर बच जाइएगा ए सबको तो पता ही है बीस नंबर ये पाइप कटर ये मैंने फिगर लगवा दिया है पाइप कटर का प्रयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है इसमें लगे रोलर या कटर व्हील किसके बनाए जाते हैं यहाँ पे भी काटने छांटने की बात आ गई तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे हाई स्पीड स्टील है ना क्या यूज करेंगे आप लोग हाई स्पीड स्टील यूज करेंगे क्योंकि काटना है आपको देखिएगा एक ये हो गया कटर व्हील और ये रोलर हो गया एक और यहाँ पे कटर लगा होता है ये एक्चुअल नहीं है ठीक है कटर या व्हील बनाए जाते हैं तो ये किसका बना होगा आपका ये बना होगा हाई स्पीड स्टील का बना होगा ठीक है विवेक प्लम्बर के लिए अच्छा है लाइव शो ओके ठीक है क्लियर है पाइप कटर का ये हो गया काटने छाटने वाला कोई काम है तो इसी का बने रहेगा ठीक है।, है ये किसका ड्यूरेबल मेटल बॉडी है ये स्क्रू नॉब है इसको घुमाना है आपको ये क्या है रीमर है ये एक्चुअल नहीं है तो मैंने फ्लिपकार्ट से उठा के उसको भेज दिया कि आप डाल देना ये नंबर तो ट्वेंटी में चलिए वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग किया जाता है यह निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है हाँ ये काटने का काम नहीं कर रहा है मैंने क्या ट्रिक बताया है कि जो काटने का काम करेगा ना आप सिर्फ उसी को हाई कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील नहीं है तो हाई स्पीड स्टील टाइप से आप यूज करोगे लेकिन ये क्या है पकड़ने वाली इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोंग्स कहाँ है टोंग्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं अड़ी रोटी तो सभी लोग बनाते होंगे वो भी आपका टोंग ही है ठीक है बट वैसा नहीं है जैसा आपने स्निप देखा था ये, इस टाइप का होता है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं बिट हम लोग क्या बोलते हैं रिवेट और इसको क्या हम लोग बोलते हैं आर्म या हैंडल ये तीन पार्ट होता है कोई लोहे का टुकड़ा है उसको आप इससे क्या करोगे पकड़ लोगे यहां से आप दबाओगे ये रिवेट वाला पार्ट है यहां से क्या करेगा ये बिट पकड़ेगी ठीक है तो कौन पकड़ेगी बिट कौन सा हिस्सा जॉब को पकड़ेगा तो बिट पकड़ेगा क्लियर है तो ये किसका बना होगा माइल स्टील का बना होता है बिल्कुल योगजीत सागर किसका बना होगा ये माइल्ड स्टील का उसके बाद बेंच बेंचवाइज का साइज किससे लिया लिया जाता जाता है है तो क्या उसके भार से से स्पिंडल की लंबाई से या जाओ प्लेट की चौड़ाई से जो जो जबड़ा होता है इसकी चौड़ाई से ही हम लोग क्या करते हैं बेंच बेंचवाइज का साइज लेते हैं एक बात ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा बॉडी है इसकी ना ये किसकी बनी रहेगी ये बनी रहेगी कास्ट आयरन की ये भी आपसे पूछ सकता है और जो स्पिंडल वाला पार्ट है ये किसका बना रहेगा ये बना रहेगा आपका माइल्ड स्टील का माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात मृदु इस्पात और यह किसका बना रहेगा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा इसमें क्या होता है यही आपकी जो माइल्ड स्टील है इसी में हम लोग कार्बन की परसेंटेज जब बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है आपको जब हाई कार्बन स्टील से यानी कि 1.5 परसेंट से कार्बन की परसेंटेज आगे जाएगी तब आपको क्या मिलेगा कास्ट आयरन मिलता है ठीक है तो ये क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है हार्ड एंड ब्रिटिल हार्ड एंड ब्रिटिल यानी कि कठोर और भंगुर अब ये कठोर और भंगुर होता है फिर हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है बहुत ही जबरदस्त होती है और कोई भी मशीन ऑपरेट काम कर रही है वहां पे वाइब्रेशन होना तय है तो उसके लिए क्या है कि ये वाइब्रेशन को वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है अच्छे से है ना एब्जॉर्ब करती है तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर ठीक है इसको तो हम लोग कास्ट आयरन का बना दिए तो इसको माइल्ड स्टील का क्यों बनाए उसका कारण यह है कि अगर कोई गड़बड़ हो आप बहुत तेजी से स्पिंडल को कसें तो अगर जो आपने जॉब को पकड़ा है कोई सामान आपने पकड़ा है हो सकता है कीमती भी हो सकता है नहीं भी कीमती हो सकता है लेकिन वो ना टूट करके आपका ये स्पिंडल टूट जाए है ना इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है ऑलमी इसरो है ना माइल्ड स्टील कास्ट आयरन तो जो आप लोग आंसर बताएं उसका क्वेश्चन नंबर जरूर बोल दिया करें ठीक है चलिए फिर क्या है लेग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है इसके हाँ लेग वाइज में जो बनी रहेगी बॉडी वो आपकी बनी रहेगी किसकी वो बनी रहेगी माइल्ड स्टील ठीक है वो बेंच वाइज थी बेंच पे काम करके रख के उसको काम किया जाता है और इसको जिसमें सेट किया जाता है लेग वाइज को उसकी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है वो बना होता है लकड़ी का ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग लो बोलते हैं लेग यानी कि ये है वाइस की टांग है ना ये क्या है कॉलर है ठीक है उसके बाद ये क्या है आपका ट्राईपॉड ट्राईपॉड स्टैंड है ठीक है ये स्ट्रिप है ये छोटी सी स्ट्रिप पतली सी लगी हुई है और इसी स्ट्रिप में आपका ये वाइस बंधा हुआ है तो ये हमने एरो बनाया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं ठीक है और बाकी आपका ये क्या हो जाता है यहाँ पे छोटी सी एक स्प्रिंग लगी है जो आपकी आपको नहीं दिखेगी जो कि इसको खोलने का काम करती है ये क्या है स्प्रिंग है स्प्रिंग पूछेगा तो कौन सी लीफ स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग यानी कि पत्तीदार स्प्रिंग पत्तीदार आपने ट्रैक्टर ट्रै ट्रै तालियों ट्रै 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 में देखा होगा कि पहिए के ऊपर एक स्प्रिंग पतली पतली लगी होती है उसको हम लोग पत्तीदार स्प्रिंग बोलते हैं एक दूसरी क्या होती है हाँ क्या बोल रहे हैं सुधीर जी आ, समझ में नहीं आ रहा है यस ए के आई यस जे ए जैसा होता है चलिए ठीक है ये किसकी बनी रहेगी आपकी माइल स्टील की बनी रहेगी ठीक रहे है इसकी बॉडी और तो हो ही गया है सब हमने बता ही दिया यहाँ पे क्या है एक पाइवट है हिंज है ठीक है फिर चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है क्या बताऊँ इसको है ना धातु का स्लैग उतारने के लिए मैंने चिपिंग करने के लिए मैं टिक करने वाला था तो बहुत ध्यान रखने येगा आप लोग जब कहीं एग्जाम में बैठी है, है ना तो वहाँ पे सारे ऑप्शन ज़रूर कवर करिए तो चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है तो धातु की स्लैग उतारने के लिए ठीक है जाहिर सी बात है चिपिंग हैमर से चिपिंग का ही काम होगा क्लास का टाइम बता दीजिए क्लास इसी टाइम पे होगी एक से डेढ़ बजे के बीच स्टार्ट होगी डेली ठीक है कल संडे है शायद तो कल हमको आप छुट्टी दीजिए एक दिन बाकी दिन मैं आपका कवर करा दूंगा ठीक है चलिए धातु का स्लैग उतारने के लिए हम क्या करते हैं चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं यह आपका चिपिंग ठीक है हैमर की भी क्लास मैंने बताया था पढ़ाया है पहले चैप्टर में कि हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है जिसमें हमने अलग अलग टाइप के जो है वो हैमर की चर्चा की थी ठीक है चलिए वेल्डिंग केबल तांबे की बनी होती तथा तो व्यास के अनुसार इसकी क्षमता कितनी होती है तो सौ एम्पियर से लेकर के छह सौ एम्पियर तक जो है आपको वेल्डिंग केबल देखने को मिलती है ठीक है ये पूछ रहा है इसमें व्यास के अनुसार इसकी क्षमता होती है कितनी दो सौ एम्पियर से छह सौ एमपी यहाँ पे जो एग्जैक्ट आ रहा है वो आपका ए ऑप्शन है ना एक सौ पच्चीस से छह सौ एमपी वेल्डिंग केबल जीरो से पंद्रह मीटर पंद्रह से तीस मीटर तीस से पचहत्तर मीटर होती है अधिक लंबाई से क्या प्रभावित होता है वेल्डिंग केबल है बहुत लंबी केबल है आपके घर में लाइट आ रही है उसको ऐसे समझिएगा आपने यहाँ से क्या किया आपके घर में लाइट आई यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है घर आपका यहाँ पे है क्या आपके यहाँ फैन आप चला रहे हैं और एक आपके दोस्त का घर यहाँ पे है यहाँ पे फैन चल रहा है तो क्या यहाँ पे फैन तेज चलेगा या धीमा चलेगा यहाँ पे धीमा चलेगा यहां पे क्या चलेगा तेज चलेगा क्यों क्योंकि ये पहले आ गया इसका मतलब कि लंबाई बढ़ेगी तो आपका क्या होगा नुकसान होगा प्रभावित होगा क्या वोल्टेज वोल्टेज घटेगा तो इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है प्रतिरोध का मतलब ये है कि कोई रोकने वाली शक्ति बढ़ गई है रोक रही है कि आगे नहीं बढ़ने देंगे ठीक है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों इससे प्रभावित हो जाता है ठीक है अधिक लंबे केबल से अच्छा मोटाई से क्या होगा अगर केबल मोटी होगी तब उससे बढ़िया अच्छा करंट प्रवाह होगा या पतली होगी तब ये बताइए तो जस्ट उल्टा चलता है अगर पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा है ना डायामीटर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा घटेगा अब रेजिस्टेंस घटेगा यानी कि कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है कंडक्टिविटी क्या होती है वो आपकी बढ़ती है प्रतिरोध जाहिर सी बात है ना रोक रहा है कोई ज़्यादा तो चालकता आपकी घट जाएगी और रोकने वाला कम है तो चलने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी है ना ये रोकने वाला है रोकने वाला कम हो रहा है तो भागने की स्पीड क्या हो होगा ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब डाया बड़ा है ज़्यादा मोटा तार है तो रोकने की क्षमता कम हो जाएगी और उसे कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसका सी कौन कौन सही आंसर दिया है

तो रेलवे के नाम से वेल्डर हुई है वहां पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा तो आर्क वेल्डिंग बेसिक वाला जब आप देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने को ठीक तो बैके लाइट का किसका बना होता है बैके लाइट का अब चिपिंग गॉगल्स वो गॉगल नहीं है जो आप वेल्डिंग करते समय लगाते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं चिपिंग गॉगल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं हम लोग करते हैं ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग या अन्य मशीनिंग काम करते समय अन्य मशीनिंग करते समय लेकिन वेल्डिंग में नहीं है ना? इसका जो ग्लास होता है वो सफेद होता है और बैके लाइट का इसका फ्रेम होता है है ना बैके लाइट का फ्रेम होता है का सी उनतीस का सी नीरज यादव सचिन हर्ष मुरली है ना आनंदा तो ठीक है आपका तो बढ़िया है कॉल मिसर आप तो बेस्ट हो ये बिंद भी हैं ठीक है वेल्डिंग के दौरान डैश डैश किरण उत्पन्न होती हैं जो कि नंगी आंखों तथा त्वचा के लिए हानिकारक होती है अब मैंने आपको बताया था कि जो किरणें निकलती हैं इंफ्रा रेड और अल्ट्रावायलेट इन दोनों में से एक किरण ऐसी है जो कि आपकी आंख को नुकसान पहुंचाएगी और एक किरण ऐसी है जो कि आपके त्वचा को नुकसान पहुंचाएगी ठीक है लेकिन यहां पे क्या पूछा है जो नंगी आंखों तथा त्वचा दोनों तो दोनों के लिए दोनों हो जाएगा तो ये आपको बताना है कि आंखों को नुकसान कौन पहुंचाएगा अल्ट्रावायलेट या इंफ्रा रेड मैंने ट्रिक भी बताया है क्लास में है ना वो आप लोग जरूर बताइएगा ठीक है आँख के लिए बताइए आँख के लिए सबका रिप्लाई आना चाहिए ठीक है कमेंट में या लाइव चैट में आँख को कौन सी गैस नुकसान ठीक है चलिए फिर सॉलिड फेज वेल्डिंग में पार्टों को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या मैंने वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन बहुत बार कराया है हर क्लास में कराया है ये है आपकी क्या वेल्डिंग बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन हमने करवाया है अलग अलग आधार पर लोग बांटते हैं लेकिन हमने वेल्डिंग क्लासिफिकेशन को एक ही जगह करवाया पहली क्या है आपकी प्लास्टिक यानी कि सॉलिड यानी कि ऑटोजीनियस है ना ऑटोजीनियस दूसरा क्या था लिक्विड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूजन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस अब ये मैं कई बार हिंदी में करवा चुका हूँ इसलिए मैं इंग्लिश इंग्लिश में करवा रहा हूँ ठीक है बार बार ठीक नहीं है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब क्या होता है ठोस और धन गैस ठीक है लिक्विड का मतलब क्या होता है द्रव इसका मतलब क्या होता है ठोस अब ऑटोजीनियस को हम लोग हिंदी में भी क्या बोलेंगे ऑटोजीनियस ठीक है तो क्या बोलेंगे होमोनियस हम लोग क्या बोलेंगे हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस अब इसमें कौन कौन सी वेल्डिंग आएगी एक तो आपकी सोल्डरिंग और दूसरी आपकी ब्रेजिंग यहां से भी क्वेश्चन पूछता है ठीक है थर्टी वन का डी सॉलिड फेज बिल्डिंग में प्लास्टिक का जोड़ा जाता है इस बिल्डिंग दूसरा नाम प्लास्टिक का मतलब फोर्ज बिल्कुल सही है सीपी पी बिंद है ना कमलेश सर अरे कमलेश सर आ गए थैंक यू सर गुड बोल रहे हैं ठीक है ये हो गया सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का पार्ट अब क्या है प्लास्टिक स्टेज में यानी कि सॉलिड को हम लोग ऑटोजिनस तो बोलते हैं इसमें आप लोग कौन कौन सा देखते हैं तो इसमें है फ्रिक्शन फोर्ज अल्ट्रासोनिक एक्सप्लोजिव और अदर अदर जो कि हमने पिछले क्लासों में बताया भी है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है लिक्विड में हमने फिर क्या बताया आपको एक तो होती है केमिकल यानि कि रासायनिक और एक क्या होती है आर्क है ना आर्क केमिकल so, रासायनिक में कौन कौन सा दो एक होती है गैस वेल्डिंग और एक होती है थर्मिट वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग ठीक है तो ये सवाल कैसे बन जाएगा आपको यहां से कि गैस वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग कैसी है तो पहला तो पहला कंडीशन भैया रासायनिक वेल्डिंग है ना मिले तो भैया ये होमोजीनियस वेल्डिंग ना मिले ऑप्शन तो भाई ये फ्यूजन वेल्डिंग है ना मिले ऑप्शन तो भैया ये लिक्विड वेल्डिंग है, तो है. क्लियर ऐसे पूछेगा थर्मिट वेल्डिंग क्या है तो पहले आप बताओगे कि सर ये केमिकल वेल्डिंग है डिटेल में मैंने बताया कि क्या क्या होता है इन सब में वो ना मिले तो होमोजिनियस वेल्डिंग है वो न मिले तो फ्यूजन वो न मिले तो लिक्विड ऐसे बताना है और आर्क में आपने टीग मिग आर्क वेल्डिंग गैस इतनी सारी तो वेल्डिंग है ही है ना सॉलिड में आपसे पूछे कि फ्रिक्शन तो वही आपसे पूछा गया है कि सॉलिड फेज वेल्डिंग यानी कि सॉलिड ढूंढ लो भैया फोर्ज वेल्डिंग ये सॉलिड में आ रही है, है ना ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा चलिए तो बाकी रेजिस्टेंस भी थी आर्क वेल्डिंग की खोज सर डेवी इनको क्या कहा जाता है वेल्डिंग का पितामह कहा जाता है वेल्डिंग का पितामह यानी कि फादर ऑफ वेल्डिंग फादर ऑफ वेल्डिंग सर एनपीसी में ये क्वेश्चन आया था थर्मिट वेल्डिंग क्या है फ्यूजन आर्क गैस अरे हाँ फ्यूजन है थर्मिट है ना देखिए थर्मिट क्या है थर्मिट यहां पे आ रही है केमिकल में तो किस में आएगी आपकी यानी कि फ्यूजन में अब अगर उसने प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग बोला होगा तो वो नहीं आएगा ठीक है बिल्कुल ठीक सौ एक अब जाहिर सी बात है खोज होगी लाइट की खोज होने के बाद ही है ना लाइट गलत हो जाएगा भी कहें तो थोड़ा सा इंसिडेंट चेंज है विद्युत की खोज होने के बाद ही तो होगी विद्युत की खोज के बाद लगभग 1801 में जो है इन्होंने क्या किया प्रूव किया कि भैया वेल्डिंग कर सकते हैं हम लोग हीट का यूज करके किसका आर्क का है ना 32 टू सर ऑटोजीनियस में वेल्डिंग आता है ऑटोजीनियस ऑटोजीनियस में फ्यूजन वेल्डिंग नहीं आएगा सर है ना नहीं होमोजीनियस है एक बार क्लियर कर लेना आप फिर से तो बाकी ये क्लासिफिकेशन मैंने बनाया है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लासिफिकेशन अलग अलग आधारों पे लोग बांटते हैं है ना प्लेर मेटल के आधार पे ताप के आधार पे वहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है क्वेश्चन अलग था एन पी सी एल का थोड़ा अच्छा कैसा अलग था क्वेश्चन आप लोग अगर भेजो कागज़ में लिख के तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आर्क वेल्डिंग की खोज सर हेम्परी डेवी ने की थी अठारह सौ एक में लगभग उन्नीस सौ पच्चीस से लेकर के बढ़िया से जो है इसकी स्टार्ट कर दिए थे करना ठीक है अठारह सौ एक है ठीक है उन्नीस सौ पच्चीस क्या है उन्नीस सौ पच्चीस से मॉडर्नाइज होने लगी थी वेल्डिंग ठीक है करेक्ट इसका क्या हो जाएगा अठारह सौ एक फिर ये क्या है एम एम ए डब्ल्यू मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इसको क्या बोलते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है ना पी एम ए डब्ल्यू टी टी ए डब्ल्यू ये सारे फुल फॉर्म आप करके जाना बाकी नोट्स अपलोड है उसमें पहला चैप्टर नोट्स में हमारे ऐप में जो नोट्स है वहाँ पे पहला चैप्टर फुल फॉर्म का ही वहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है क्लियर है सर मेरा तो हाँ ठीक है ऑटोजीनियस में फ्यूजन वेल्डिंग आता है ठीक है मुरली सिसोदिया जी आपका क्लियर है तो ठीक है वेल्डिंग केबल की लंबाई अधिक होने से विद्युत प्रतिरोध ये मैंने आपको बताया ही है ना लंबाई अधिक होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा हाँ ठीक है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा ठीक है एक घंटा लगभग हो गया खत्म किया जाए आज परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग को क्या कहते हैं तो बोलते हैं शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ना शेल्डिंग का ही मतलब होता है क्या परिरक्षित मतलब ही क्या होता है परिरक्षित बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के आज अच्छा आपने भेजा है एक बार फिर से आप हाई मैसेज कर दीजिएगा मैं अगली क्लास में उसको करवा दूंगा ठीक है चलिए ठीक है तो अभी बस यहीं तक आगे फिर हम लोग कल करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे है ना ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन बात यह है कि कुछ नए बच्चे भी हैं पार्क का फॉर्म अप्लाई किए हैं रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नए बच्चे हैं ग्यारह के लिए पढ़ रहे हैं से पढ़ रहे हैं इसलिए भी ठीक है थर्टी का डी मैनुअल मेटल आप लोग परिरक्षित धातु है ना यानी कि शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ठीक है ठीक है ठीक चलिए तो अभी जो है इसको यहीं पे मैं एप्लीकेशन में डलवा देता हूँ लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए लाइक कितना हुआ है लाइक बहुत कम है लाइक भी कर दीजिए अच्छा हाँ ऐप पे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन जैसे जैसे होते जाएंगे ऐड करवाता जाऊँगा टेस्ट मैं ऐड करवाऊंगा ठीक है लेकिन और ये तो मैं ऐड करवा ही दूंगा जो मैं करवा रहा हूँ उसको करवा दूंगा ठीक है आनंदा जी थैंक यू तो बस सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि इस क्लास में ऐड हो जुड़े ज्यादा से ज्यादा लाइव लोग जुड़ पाएंगे तो मैं और अच्छे से डिटेल में करा पाऊंगा मेरा भी मोटिवेशन बढ़िया होगा बाकी मैंने इस इन वीडियो में जो एड्स आते हैं ना आपके यूट्यूब में एड्स वो मैंने ऑफ कर दिया है ठीक है वो नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा लाइव स्ट्रीम हो रही है पता चला कि ऐड आ गया तो लाइव स्ट्रीम में कोई भी ऐड नहीं आएगा मैंने रोक के रखा है उसको टेस्ट में कितना टाइम लगेगा ठीक है आनंदा जी थैंक यू नीरज यादव जी आप मैसेज कर लेना यार मैं तो रिप्लाई करता ही हूँ आप लोगों का ठीक है थैंक यू